अब आपको बताएंगे चिश्तिया में साबिक कौमी रुकने एहसानुल हक भाजपा की मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात। मियां अब्दुल मजीद जताला भी हमरा थे। हल्का पीपी 244 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की यकीन दहानी करवाई। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की हल्का 244 में वर्क करने की हिदायत। साबिक वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेगी। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है ये। चिश्तिया में साबिक कौमी रुकन एहसानुल हक भाजपा की मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मियां अब्दुल मजीद जताला भी हमरा थे। हल्का पीपी 244 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की यकीन दहानी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की हल्का 244 में वर्क करने की हिदायत। साबिक वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेगी। अब आपको बताएंगे चिश्तिया में साबिक कौमी रुकने एहसानुल हक भाजपा की मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात। मियां अब्दुल मजीद जताला भी हमरा थे। हल्का पीपी 244 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की यकीन दहानी करवाई। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की हल्का 244 में वर्क करने की हिदायत। साबिक वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेगी। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है ये। चिश्तिया में साबिक कौमी रुकन एहसानुल हक भाजपा की मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मियां अब्दुल मजीद जताला भी हमरा थे। हल्का पीपी 244 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की यकीन दहानी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की हल्का 244 में वर्क करने की हिदायत। साबिक वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेगी।